देखिए, आज कोर्ट नंबर 9 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रकाश पाडिया की कोर्ट में बहस थी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा दो रिट याचिकाएँ 1998 से प्रस्तुत की थी। 1998 में जनपद न्यायाधीश वाराणसी के द्वारा आदेश पारित किया गया था कि ये केस जो फाइल किया गया है ज्ञानवापी के संबंध में विवादित ढांचा को हटाने के लिए, हिंदुओं का उस पर आधिपत्य देने के लिए, मंदिर का निर्माण पुनरुद्धार बनाने के लिए, ये सब जो रिलीफ सीख किए गए हैं उसमें यह प्रार्थना पत्र दिया गया था कि ये वाद मेंटेनेबल नहीं है और प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट से बाधित है, इसे निरस्त कर दिया जाए, जिसमें 1997 में प्रथम अपर सिविल जज वाराणसी के द्वारा आदेश पारित किया गया हिंदुओं के पक्ष में, उनकी प्रार्थना पत्र अंशतः जो है वो स्वीकार की गई। इसके पश्चात उस आदेश के विरुद्ध ये लोग प्रथम जिला जज वाराणसी के समक्ष सिविल रिवीजन फाइल किए थे। उन सिविल रिवीजन को, तीन याचिकाओं को, सिविल रिवीजन को माननीय प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश ने अंशतः स्वीकार करते हुए लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था और यह लोअर कोर्ट को आदेशित किया था कि पहले इस विवादित स्थल का साक्ष्य लिया जाए, भौतिक साक्ष्य, मौके का साक्ष्य, और यह निर्धारित किया जाए कि 15 अगस्त 1947 को इसकी धार्मिक स्थिति क्या थी। बिना इस स्थिति को तय कराए कोर्ट से यह नहीं कहा जा सकता कि यह वाद चलेगा और या नहीं, और यह 15 ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट से बाधित है या नहीं। उस आदेश के विरुद्ध ये दो याचिकाएं 1998 से लंबित थी, जिनमें बहस होते होते आज यह नौबत आया कि दोनों पक्षों ने अपनी बहस पूर्ण कर दिया और ये जजमेंट में रिजर्व कर लिए गए। एक और रिट याचिका इसी के साथ जो है वह टैग की गई थी, क्योंकि ये आदेश जो स्थगन आदेश पारित किया गया था वो समाप्त कर दिया गया था लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे करने के लिए, उसको चैलेंज किया गया था। बहरहाल कोर्ट ने यह समझा कि ये इनफ्रक्चुअस हो चुकी है, लेकिन इन तीन रिट याचिकाओं को जो है वह माननीय न्यायालय ने आज जजमेंट में रिजर्व कर लिया। अब दो और याचिकाएं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो सर्वे कराए जाने के लिए आदेश पारित किए गए हैं लोअर कोर्ट के द्वारा, उनके विरुद्ध ये लंबित हैं, जिस पर माननीय न्यायालय ने आज 28 सितंबर 2022 की तिथि नियत की है। और अन्य भी जो मिसलेनियस पिटिशंस उसमें होंगे उनका भी निस्तारण 28 को कर दिया जाएगा। लग रहा है कि जल्दी कंक्लूड हो जाएगी बात पूरी। बिल्कुल कंक्लूड कर दी जाएगी, इसलिए कि माननीय न्यायालय को यह भी सूचित किया गया कि जिला जज वाराणसी में आज विस्तृत जजमेंट दिया गया है 26 पेज का, और इसी आशय का प्रार्थना पत्र मुस्लिम पक्ष का आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को जिला जज ने खारिज कर दिया है, इसलिए माननीय न्यायालय को ये कहा गया कि इसमें भी आदेश पारित कर दिया जाए, ज़्यादा हम लोगों को प्रतीक्षा न कराई जाए।